वजीर आजम की जेरे सदारत विफाकी काबीना के इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना ने छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब के पैकेज की मंजूरी दे दी। आटा चीनी स्कैंडल के इंक्वायरी कमीशन को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 13 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया और मुतादिद नुकात की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत छोटे कारोबारी हजरात के लिए 3 माह तक बिजली का बिल माफ करेगी। काबीना ने लिमिटेड कंपनियों में डायरेक्टर्स की खाली असामियों पर नामजदगियों की मंजूरी दे दी। इजलास के दौरान काबीना को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इकदामात पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने वायरस पर कायम कौमी तआवुन कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने मुल्क की माशी और सियासी सूरतेहाल पर भी गौर किया। कोरोना से मुतासर सहाफियों और सहाफती इदारों की माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी दी।